कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिव पूजन चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द थर्ड आई। देखिए, पिछले वीडियो में हमने विलयन की जो सांद्रता है, सांद्रता इकाई, इसके विषय में चर्चा कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम जो आज का टॉपिक है हमारा, गैसों के द्रवों में विलयन, इसमें आपका अवशोषण गुणांक और हेनरी का नियम सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, हेनरी का नियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैसों के द्रवों में विलयन। जैसे मान लीजिए क्या कोई द्रव है, ये आपका क्या है, इसमें द्रव भरा हुआ है। अब इसमें जब किसी गैस को हम मिलाएंगे तो एक प्रकार का विलयन बनेगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्रवों में गैसों का विलयन या गैसों के द्रवों में विलयन। तो देखिए, जो आपका जल होता है वो आपका क्या है, द्रव है। तो इससे संबंधित दो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है कि जल में सबसे ज्यादा विलेय और सबसे कम विलेय गैसें कौन सी हैं। तो मान लीजिए क्या है आपका, जल है, तो इसमें सबसे अधिक विलेय जो आपकी हो जाएगी वो NH3, NH3 अमोनिया गैस। जो आपकी अमोनिया गैस है ये जल में सबसे ज्यादा विलेय होती है। और अगर हम बात करें हीलियम, HE यानी हीलियम, तो हीलियम जो आपकी है ये सबसे कम विलेय है। हीलियम आपकी सबसे कम विलेय है, अमोनिया आपकी सबसे ज्यादा विलेय है और हीलियम आपकी सबसे कम विलेय है। किसमें, जल में। तो ये जो आपकी विलेयता है किसी गैस की जल में या किसी द्रव में विलेयता, वो डिपेंड करती किस पर, गैस की प्रकृति कैसी है, द्रव की प्रकृति कैसी है, इसके ताप पर और दाब पर। तो इन चार कारण चीजों पर ये क्या होती है, निर्भर करती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं अवशोषण गुणांक की, एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट, ये क्या होता है। तो किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता जो निर्भर करती है वो एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट पर ही निर्भर करती है। और एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट को जो हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा बराबर होता है वी जीरो अपान स्मॉल पी और वी। अब देखिए, यहीं से हम क्या करेंगे, परिभाषा बनाएंगे। ये वी जीरो क्या है, गैस का आयतन, गैस का आयतन। और ये आपका जो कैपिटल वी है ये द्रव का आयतन है, द्रव का आयतन। और जो आपका स्मॉल पी ये है, ये दाब है, गैस का दाब है। तो यहां से हम देखेंगे कि किसी द्रव के एकांक आयतन में, एकांक दाब पर जितना गैस का आयतन विलीय हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट। यानी परिभाषा हम ऐसे बना सकते हैं कि, और ये यहां पर ताप क्या होना चाहिए, ताप निश्चित होना चाहिए, ताप निश्चित यानी कांस्टेंट होना चाहिए। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित ताप पर, ताप क्या है आपका, निश्चित है, और किसी गैस को किसी द्रव में क्या कर रहे हैं, विलेय कर रहे हैं। तो यदि हम माने गैस का आयतन क्या है, बी जीरो, द्रव का आयतन वी और दाब आपका पी है, तो किसी एकांक आयतन में, द्रव के एकांक आयतन में तथा एकांक दाब पर, द्रव के एकांक आयतन में और एकांक दाब पर गैस का जितना आयतन विलेय होता है उसी को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट। ये तो हो गया आपका एब्जॉर्प्शन कॉफिशियंट। इसके बाद है हेनरी का नियम। अब देखिए, हेनरी का नियम क्या है, तो हेनरी ने जो नियम दिया वो 1803 ईस्वी में दिया, 1803 ईस्वी में दिया। और ये जो नियम दिया इन्होंने, ये नियम बताता है कि कोई गैस को जो हम किसी द्रव में मिलाते हैं तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी, ये आप ये तो पढ़ रहे हैं गैसों के द्रव में विलयन, तो जब हम किसी गैस को क्या करेंगे, द्रव में मिलाएंगे, तो वहां पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा।
हेनरी के नियम के अनुसार यम अनुक्रमानुपाती पी, जहां पी क्या है दाब है और यम क्या है आपका गैस का द्रव्यमान है, गैस का द्रव्यमान, और ताप यहां पर क्या होना चाहिए नियत होना चाहिए, यही है आपका हेनरी का नियम। यानी हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस का जो द्रव्यमान होता है, गैस का द्रव्यमान होता है वो उसके दाब के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी निश्चित ताप पर गैस का द्रव्यमान उसके दाब के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, इसी को क्या कहते हैं हेनरी का नियम कहते हैं। आपका जो हेनरी का नियम है एक प्रकार और भी डिफाइन किया जा सकता है, ये तो आपका क्या है गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान, और ये क्या है आपका वाष्प दाब, गैस का वाष्प दाब। दूसरे अनुसार हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, देखिए जो आपका वाष्प दाब होता है गैस का वो अनुक्रमानुपाती होता है काई, ये क्या है मोल प्रभाज, किसका गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, यानी पी अनुक्रमानुपाती काई। यानी यदि किसी गैस को किसी द्रव में मिलाया जाए तो जो गैस का वाष्प दाब होता है वो उस विलयन में, उस विलयन में गैस के जो मोल प्रभाज होता है, गैस का मोल प्रभाज उसकी क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यदि मोल प्रभाज गैस का बढ़ेगा तो उसका दाब बढ़ेगा, यदि दाब बढ़ेगा तो गैस का मोल प्रभाज बढ़ेगा। और यहां तो आपने पहला स्टेटमेंट देख ही लिया, दूसरा स्टेटमेंट था, यानी इनका नियम दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहले नियम के अनुसार जो गैस का द्रव्यमान होगा वो उसमें वाष्प दाब के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा, ये गैस का द्रव्यमान है। और दूसरा जो आपका गैस का वाष्प दाब गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा, ये है आपका हेनरी का नियम। अब इसको देखिए इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, जैसे जो आपका यम हो जाएगा यहां से यम इक्वल टू के इंटू पी, जहां के क्या हो जाएगा एक स्थिरांक हो जाएगा, यहां से पी इक्वल टू के कुछ भी मान लीजिए एच इंटू काई, एच मतलब हेनरी का स्थिरांक, तो यहां के एच क्या है एक स्थिरांक है जिसे हम क्या कहेंगे हेनरी स्थिरांक। अब देखिए इसमें जो आपका अगला है हेनरी के नियम की सीमा है लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो जो आपका लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ है वो मेनली तीन चीजों पर निर्भर करता है। पहली बात तो जो आपकी गैस होनी चाहिए क्या होनी चाहिए एक आदर्श गैस होनी चाहिए, हेनरी का नियम तभी कार्य करेगा जब गैस क्या हो एक आदर्श गैस हो। दूसरी बात क्रिया ना करे, यदि हम क्या कर रहे हैं गैस को किसी द्रव में मिला रहे हैं तो द्रव में मिलाने पर गैस उससे क्रिया रासायनिक क्रिया ना करे, रासायनिक अपक्रिया ना करे। तीसरा जो आपका पॉइंट हो जाएगा जल में, यदि किसी गैस को हम क्या कर रहे हैं जल में मिला रहे हैं तो जल में मिलाने पर आयनों में वियोजित ना हो, आयनों में वियोजित ना हो, वियोजित ना हो, ये तीन अगर कंडीशन फॉलो कर रहा तो वो विलयन क्या करेगा हेनरी के नियम का पालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सबसे पहला वो आदर्श गैस होनी चाहिए, आदर्श गैस होनी चाहिए। दूसरी बात वो गैस जब हम किसी द्रव में मिलाते हैं तो द्रव से क्रिया ना करें। तीसरी बात यदि विलायक आपका जल है तो उस वो जो आपकी गैस मिलाई जा रही है वो अपने आयनों में वियोजित ना हो। जैसे हम बात करें HCl, HCl को जल में मिलाएंगे तो H प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगी टूट जाएगी, तो इस गैस के लिए नियम फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये अपने आयनों में क्या हो रही है वियोजित हो जा रही है। तो ऐसी गैस जो अपने आयनों में वियोजित ना हो वही हेनरी के नियम का पालन करेगी।
तो ये तो हो गए आपके हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिए आपका जो अगला पॉइंट है ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशंस। तो जब दो या दो से अधिक ठोसों को मिलाने पर जो समांग मिश्रण तैयार होता है उसी को हम क्या कहते हैं ठोस विलयन, यानी ठोस को ठोस में मिलाने पर समांग मिश्रण जो बनता है वही ठोस विलयन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते मिलनी, प्रतिस्थापी ठोस विलयन सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस और अंतराकाशीय ठोस विलयन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए इसमें ये आकृति देखिए पहले, उसके बाद समझ में आएगा। ये आपका क्या है विलायक के कण है, ये कण क्या है विलायक के, और ये जो रेड पेन से बना हुआ ये विलेय का कण है। तो जब विलेय के कण विलायक कणों के स्थान ग्रहण करते हैं और विलायक कणों को क्या कर देते हैं हटा देते हैं, जैसे देखिए ये आपका क्या है विलेय का कण है। अब यहां पर आपका विलायक का कण नहीं है, एक विलायक का कण यहां पर होना चाहिए लेकिन उसको हटाकर ये विलेय का कण यहां पर क्या हो गया है स्थापित हो गया। यहां पर भी देखिए विलेय का कण, तो जब विलायक के कणों को हटाकर विलेय का कण स्थापित हो जाए तो इस प्रकार के ठोस विलयन को हम क्या कहेंगे प्रतिस्थापी ठोस विलयन। इसके उदाहरण की बात करें जो आपके उदाहरण हो जाएंगे वो पीतल हो जाएगा, पीतल कई धातुओं का मिश्रण होता है, कांसा ये भी क्या हो जाएगा इसका उदाहरण हो जाएगा, यानी आदि ये सब क्या है जब विलयन बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं विलायक के कणों को प्रतिस्थापित कर देते हैं और स्वयं वहां पर लग जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रतिस्थापित ठोस विलयन। उसके बाद है आपका अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी मतलब अंदर जो स्थान बचता है खाली स्थान, उसमें जब विलेय के कण क्या हो जाए स्थापित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। देखिए विलायक के कण है, अब विलायक के कण एक जालक का निर्माण कर रहे हैं लेकिन उसके बीच में जो खाली स्थान रिक्तियां बच रही हैं उसी के बीच में विलेय के कण क्या हो जा रहे हैं उपस्थित हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे अंतराकाशी ठोस विलयन। इसके उदाहरण की बात करें हम तो उदाहरण हो जाएगा आपका WC टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड ये आपका सबसे बढ़िया उदाहरण है। अब इसमें जो आपके ये क्या है टंगस्टन के कण है, ये आपके जो कण हो जाएंगे टंगस्टन के और ये जो बीच में आपका हो जाएगा कार्बन का कण हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा अंतराकाशी ठोस विलयन। देखिए आपका जो अगला पॉइंट है ठोसों के द्रवों में विलयन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। जैसे मान लीजिए कोई क्या है आपका द्रव है, ये क्या है आपका ठोस है, अब इस ठोस को जब इस द्रव में मिलाएंगे तो एक प्रकार का विलयन बनेगा जो द्रव अवस्था में रहेगा। तो ये ठोस जब इसमें डाले जाते हैं द्रव में तो क्या होता है आपको पता होगा कि इन ठोसों में जो छोटे छोटे क्या होते हैं अणु होते हैं, ये क्या है छोटे छोटे इसमें अणु हैं मॉलिक्यूल, तो इसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है होता रहता है लेकिन जब ये द्रव में पड़ते हैं तो ये वाइब्रेशन क्या हो जाता है तेज हो जाता है, मॉलिक्यूलर यानी आणविक दोलन क्या हो जाता है तेज हो जाता है और उसी के कारण ये जो आपके ठोस के कण हैं ये धीरे धीरे विलयन की प्रावस्था में परिवर्तित होने लगते हैं और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं इसी क्रिया को हम कहते हैं घुलन प्रवृत्ति, घुलन प्रवृत्ति या डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन इसे कहते हैं। उसके बाद देखिए ये तो हो गया आपकी घुलन प्रवृत्ति। अब जैसे जैसे इसमें हम ठोस के कण को क्या करेंगे मिलाते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे ठोस के कण अधिक हो जाएंगे तो ये पुनः ठोस अवस्था में लौटने लगेंगे और धीरे धीरे नीचे क्या हो जाएंगे ये जमने लगेंगे, ठोस अवस्था में जमेंगे। जब ठोस विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी और जब ठोस जमने लगे तो उसे क्या कहते हैं अवक्षेपण, अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। तो इसमें दो पॉइंट है, एक तो घुलन प्रवृत्ति डिसोल्यूशन और एक अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन, ये दो चीजें हैं इसमें ठोसों के द्रवों में विलयन में।
अब देखिए ठोसों के द्रवों में विलयन में, ये तो आप जान चुके। अब इसमें जो आपका अगला पॉइंट है यानी जब ठोस को द्रव में डालते हैं तो वो घुलित कैसे होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घुलन की क्रिया विधि। तो ठोस किस प्रकार से घुलित होते हैं, ये दो प्रकार से घुलित होते हैं, एक तो विलायक संकरण द्वारा घुलन, डिसोलिएशन ड्यू टू सोल्वेशन, और दूसरा हाइड्रोजन बंधता द्वारा घुलन, डिसोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए कोई द्रव है उसमें आप ठोस को मिला रहे हैं, तो इस विलायक संकरण द्वारा घुलन क्या, जैसे आपको पता होगा मान लीजिए जल ही है तो इसका H प्लस, जल में H प्लस और OH माइनस दो प्रकार के आयन होते हैं, और एक प्रकार से आपका पोलर सॉल्वेंट है। तो देखिए जब इसमें इधर आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए माइनस है, इधर आपका क्या हो जाएगा प्लस है जो आपका जल का अणु है, तो इसमें जब किसी ठोस को मिलाएंगे तो उसके प्लस के कण इधर आना चाहेंगे और माइनस के कण इधर आना चाहेंगे। तो इस ऊर्जा के कारण जो घुलन होता है उसी को क्या कहते हैं, विलायक संकरण द्वारा घुलन। और इस ऊर्जा को यानी द्रव की इस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, विलायक संकरण ऊर्जा, संकरण ऊर्जा यानी साल्वेशन एनर्जी, साल्वेशन एनर्जी। साल्वेशन एनर्जी क्या होती है, यानी विलेय और विलायक की अन्योन क्रिया यानी इंट्रैक्शन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, विलायक संकरण ऊर्जा, साल्वेशन एनर्जी। और इसी ऊर्जा के कारण ये क्या होते हैं, ठोस इसमें घुल जाते हैं। दूसरा है आपका हाइड्रोजन बंधता द्वारा घुलन। जैसे आप हाइड्रोजन बंध जानते होंगे क्या होता है, जैसे अगर वाटर की दो मॉलिक्यूल है, देखिए ये एच ओ एच, क्योंकि आपको पता होगा कि वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये देखिए ये आपका एच है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव, सब पे इसी प्रकार से चार्ज होते हैं, तो इसके बीच में एक हल्का सा क्या होता है, बंध बन जाता है। ये देखिए हल्का सा इसमें क्या होता है, बंध बन जाता है, और इसी बंध को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जब किसी द्रव में कोई ऐसा ठोस मिलाया जाता है जिसमें हाइड्रोजन बंध के कारण घुलन हो जाता है, ठोस का क्या हो जाता है, घुलन हो जाता है, तो इस प्रकार के घुलन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधता द्वारा घुलन, डिसोल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें जो आपकी विलायक संकरण ऊर्जा, ये साल्वेशन एनर्जी जब कोई भी द्रव हो तो होता है, लेकिन यदि विलायक क्या हो, जल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, जलयोजन ऊर्जा, जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ये तो हो गया आपका घुलन की क्रिया विधि, ये आपको समझ में आ गया हो। यानी घुलन की क्रिया दो विधि से होती है, एक तो विलायक संकरण द्वारा घुलन यानी जब कोई पोलर सॉल्वेंट है यानी मतलब विलायक है यानी प्लस माइनस वाला, तो उसमें अट्रैक्शन होगा और इस अट्रैक्शन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, विलायक संकरण ऊर्जा, विलायक संकरण ऊर्जा। यदि विलायक आपका जल है तो इसे क्या कहेंगे, जलयोजन ऊर्जा। दूसरा आपका हाइड्रोजन बंधता द्वारा घुलन, हाइड्रोजन बंध आपको पता ही चल गया, दो यदि हाइड्रोजन और किसी अन्य निगेटिव आयन के बीच जो पार्शियल बंध बनता है, आंशिक बंध, इसे क्या कहेंगे, आंशिक बंध, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। और जब हाइड्रोजन बंध के द्वारा कोई ठोस किसी द्रव में घुल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधता द्वारा घुलन। ये तो हो गई मैकेनिज्म आपकी कि ठोस घुलता कैसे है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।